हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पूड़ी। आपको तो पिक्चर देख के पता चल गया होगा क्या मसाला पूड़ी बनाना इतना इजी है। अरे बहुत इजी है यार, कोई इसमें ज़्यादा कुछ लागत की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर कुछ ज़्यादा चटपटा मसाला डाल दें, ये पूरा ही नमकीन बन जाएगा। तो आगे वीडियो देखते रहिए। आज हम बनाने वाले हैं मसाला पूड़ी और उसके साथ हम क्या क्या यूज़ करेंगे उसको आप ध्यान से देखना। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। यहाँ पे मैंने पिकल जो होता है, अचार जो होता है, उसका मैंने तेल ले लिया। उसके साथ ले लिया सेव। सेव खाने वाला सेव नहीं है, ये बेसन का फ्राई किया हुआ छोटे छोटे दाने हैं। उसके बाद ले लिया हम बॉयल्ड पोटैटो, मतलब कि आलू। उसके बाद मैंने ले लिया पीनट मटर फ्राई वाला। उसके बाद एक नमकीन। उसके बाद हमने ले लिया धनिया। अभी हमने ले लिया मुरी, जो पफ्ड राइस होता है, मुरमुरे, वो ले लिया। इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे जीरा, काली नमक, टमाटो, साथ में खीरा चॉप्ड छोटी छोटी कटी हुई, उसके साथ ग्रीन चिल्ली छोटे छोटे बारीक कटी हुई, एक नींबू और साथ में प्याज छोटी छोटी बारीक कटी हुई। अभी हम आगे की प्रोसेस में जाते हैं। अभी मैंने ले लिया मुरमुरे, उसमें हम डाल देंगे आलू का छोटे छोटे कटे हुए पीस, साथ में डाल देंगे खीरे छोटे छोटे कटे हुए, उसके बाद हम डाल देंगे प्याज, टमाटो, ग्रीन चिली, अब जो मैंने डाल दिया पीनट और मटर का फ्राइड हुआ, ये आपको दुकान में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया नमकीन, सेव, अभी मैंने डाल दिया जीरा पाउडर, काली नमक, धनिया, मैं अभी इतना ही डालूंगा। अब मैंने डाल दिया पिकल का जो तेल होता है वो मैंने डाल दिया एक चम्मच। उसके बाद डाल दिया देगी लाल मिर्ची पाउडर, इसमें थोड़ा कलर आ जाएगा और हल्का सा स्पाइसी लगेगा, इतना ज़्यादा ही स्पाइसी नहीं लगेगा। इसमें मैंने डाल दिया लेमन निचड़ के, नींबू छोटा छोटा कटा हुआ था। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। ध्यान रखना इसमें पानी हमें नहीं मिलाना, क्योंकि हमें क्रंची बनाना है पफ्ड राइस, एकदम कचकच ये आवाज़ आना चाहिए। और थोड़ा मैं थोड़ा मिला देता हूँ, बाकी जो सामान थोड़ा बचा हुआ है अभी हम निकालेंगे। पहले तो दादा दादी जी को खिलाएंगे, पहले है होता है उनका खाना, उसके बाद हम खा लेंगे। अभी मैं एक कोन बनाऊँगा कागज़ का, उसमें मैंने फिल करूँगा सारा, भरूँगा, उसके बाद आपको परोसूँगा। आप खा के बताना कि ये कैसा लगा। और थोड़ा अच्छी तरह हम सजा देंगे। अभी हम भर देंगे इसको एक कागज़ की कोन में। ये आपके लिए होगा, आप चेक करना ये कैसे लगा। उसके बाद जो है आपको एक छोटा सा काम करना है, मैंने तो अपना मेहनत कर दिया। उसके बाद आपको ये करना है कि मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि वीडियो आपको कैसे लगा और अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ। तो थैंक यू, विजिट करते रहिए मेरे चैनल में।